दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी, तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज टॉपिक, टूर ऑफ ड्यूटी भर्ती मॉडल। हाल ही में सैन्य मामलों के विभाग ने सशस्त्र बलों में भविष्य में होने वाली भर्ती के लिए एक क्रांतिकारी प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया है। इसमें सेना पहली बार टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल की अवधारणा को आजमाएगी, जिसके तहत कुछ सैनिकों को 3 साल की निश्चित अवधि के लिए भर्ती किया जाएगा। टूर ऑफ ड्यूटी अवधारणा को पहली बार 2020 में प्रस्तुत किया गया था। क्या है टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल? सेना भर्ती का यह मॉडल युवा व्यक्तियों को स्वेच्छा से 3 साल की अस्थायी अवधि के लिए सेवा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह भर्ती स्वैच्छिक आधार पर होगी। यह प्रस्ताव उन युवाओं के लिए है जो रक्षा सेवाओं को अपना स्थायी व्यवसाय नहीं बनाना चाहते हैं, किंतु सैन्य सेवाओं के रोमांच का अनुभव करना चाहते हैं। यह प्रस्ताव सशस्त्र बलों में स्थायी सेवा, नौकरी की अवधारणा से 3 साल के लिए इंटर्नशिप, अस्थायी अनुभव की ओर एक बदलाव है। हालांकि इस मॉडल के 2020 में प्रस्तुत मूल प्रस्ताव में टूर ऑफ ड्यूटी का विस्तार अधिकारों के लिए किया गया था, किंतु फिलहाल अभी इसे जवानों तक ही सीमित रखा जा रहा है, क्योंकि अधिकारियों के पास पहले से ही शॉर्ट सर्विस कमीशन का माध्यम उपलब्ध है। सरकार के लिए लाभ क्या क्या है? इससे संगठन को वेतन और ग्रेजुएटी भुगतान में कमी होने से भारी वित्तीय लाभ होगा। प्रति अधिकारी 3 साल की सेवा की लागत शॉर्ट सर्विस कमीशन के अधिकारियों पर होने वाले व्यय की तुलना में काफी कम होगी। 10 या 14 साल के बाद सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी पर 5 से 6.8 करोड़ रुपए का व्यय होता है, जिसमें कमीशन, पूर्व परीक्षण, वेतन, भत्ते, ग्रेजुएटी, वैतनिक छुट्टियां आदि सम्मिलित होते हैं। जबकि 3 साल की सेवा के लिए प्रति अधिकारी मात्र 80 से 85 लाख रुपए का व्यय होगा। एसएससी अधिकारियों के पास स्थायी रूप से सेवा में शामिल होने का विकल्प होता है, जिससे पेंशन आदि अन्य व्यय में वृद्धि होती है। सेना में सैनिकों द्वारा आमतौर पर 14 साल तक सेवा प्रदान की जाती है। प्रति सैनिक पर आजीवन होने वाले व्यय की तुलना में 3 वर्षीय सेवा में प्रति व्यक्ति 11.5 करोड़ रुपए की बचत होगी। नागरिकों और देश के लाभ क्या हैं? यह कार्यक्रम युवाओं की ऊर्जा को उनकी क्षमता के सकारात्मक उपयोग में मदद करेगा। कठोर सैन्य परीक्षण से विकसित होने वाली आदतों से स्वस्थ नागरिक वर्ग विकसित होंगे। 3 साल तक सैन्य सेवा में रहने वाले प्रशिक्षित, अनुशासित, आत्मविश्वास, मेहनती और प्रतिबद्ध युवा पुरुषों या महिलाओं से पूरे राष्ट्र को लाभ होगा। एक प्रारंभिक सर्वेक्षण ने संकेत दिया है कि कॉर्पोरेट सेक्टर नए स्नातकों के बजाय इन युवाओं को नौकरी देने में वरीयता प्रदान करेगा। क्यों है आवश्यकता? सेना के वेतन और पेंशन व्यवसाय में पिछले वर्ष के दौरान तेजी से वृद्धि हुई है और सेना के कुल बजट आवंटन का 60% हिस्सा इस पर व्यय होता है। रक्षा मामलों पर संसद की स्थायी समिति द्वारा वर्ष 2019 में पेश की गई एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना के अधिकारी संवर्ग में लगभग 14% स्थान रिक्त थे। इस योजना के समर्थक राष्ट्रवाद और देशभक्ति के पुनरोत्थान का भी हवाला देते हैं, और हकीकत यह है कि हमारे देश में बेरोजगारी एक वास्तविकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।